ये ब्रह्मा वन और सामने में इसका एंट्री गेट। यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी लिखे गए हैं, अलग अलग हाइट्स के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे वीकली जो हॉलीडे होता है वो मंडे को होता है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ गया के ब्रह्मा वन में। ये आप हमारे पीछे देख सकते हो ब्रह्मा वन, और ये है इसका मेन गेट, एंट्री गेट। तो आजकल क्या था ना फ्रेंड्स कि मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ देख रहा था ब्रह्मा वन का। हालांकि मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, और आपको जब स्टार्टिंग नहीं हुआ था तभी मैं इसका वीडियो प्रोवाइड किया था। ओपनिंग के जस्ट दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया था। सो मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि बहुत लोग ना रास्ता ही नहीं उनको समझ में आ रहा है क्या कि ब्रह्मा वन पहुँचे कैसे। सो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना गया के स्टेशन से, मेन जंक्शन से इसका एक वीडियो बना दूँ, जिससे कि आप लोगों को ना पहुँचने में यहाँ ज़्यादा आसान हो जाए। और आप सामने मेन गेट देख सकते हो। तो मैं यही प्लान किया था कि एक बार चलूँगा गया जंक्शन से और पूरा रूट आपको समझा दूँगा कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मंडे को मत आना, क्योंकि अगर आप मंडे को आते हो तो मंडे को यहाँ पे हॉलीडे होता है, वीकली हॉलीडे, जिसके कारण से ये बंद रहेगा। देखो आज भी मंडे है। सो मुझे आज इधर आना था, तो सोचा क्यों ना ये आपको दिखा शेयर कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। और मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें गया जंक्शन से, गया जंक्शन से आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हो। और हालांकि आजकल यहां पे ना लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केट आप देख सकते हो, यहां पे मार्केट भी लगा हुआ है। और हमारे पीछे ये जो रोड है ये बाईपास वाली रोड हो गई, ये बाईपास की तरफ चली जाती है। और अगर आप इधर जाओगे तो ये चली जाएगी मिलिट्री कैंट की तरफ में। सो चलते हैं हम लोग स्टेशन से, आपको पूरा यहाँ तक पहुँचाते हैं। सो ओके, बड़े रहो आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। सो ये देखो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ गया जंक्शन पर, और ये रहा हमारा धरोहर गया जंक्शन। और यहाँ से मैं चलूँगा अभी और आपको पूरा रास्ता दिखा दूँगा कि आप ब्रह्मा वन पहुँचोगे कैसे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पैदल जा रहे हो ना, सो आपको यहाँ पर से ऑटो ले लेना है या ई रिक्शा ले लेना है। और आपको बोलना है या तो आप रिज़र्व कर लो, या फिर आप सीधे चले जाओ मिलिट्री कैंट। आपको कहना है यहाँ पर से भी आपको ऑटो या ई रिक्शा मिल जाएगा रिजर्वेशन काउंटर के पास से। ये देखो यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर हो गया, यहाँ से आपको ले लेना है ई रिक्शा या ऑटो। और अगर बाइक से हो, अपनी गाड़ी से हो, तो भाई जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ साथ में आ जाओ। यहाँ सबसे पहले आपको सिगड़िया मोड़ पहुँच जाना है, या फिर एक बाईपास वाला रोड है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, ट्रैफिक मिलेगा उधर ज़्यादा। सो मेरे ओपिनियन से तो आप यही रास्ता को पकड़ लो। और यहाँ से हमें चल जाना है सीधे रेलवे सिनेमा की तरफ। आप गांधी मैदान की तरफ से भी जा सकते हो डायरेक्ट मेन रोड होकर, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ रेलवे सिनेमा की तरफ से। तो मतलब छोड़ोगे नहीं ना। और यहाँ से मैं अभी पहुँचने वाला हूँ डेल्ला ओवर ब्रिज के पास में, इसको हम लोग करीमगंज कहते हैं। ये देखो इस रूट से यही एक बेनिफिट है कि ना आपको ट्रैफिक जल्दी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाए तो मिल जाए, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है इधर। अरे आवे में दिक्कत थोड़ी ना, जाए में दिक्कत होता है। और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गए नाजरत एकेडमी। ये देखो ये जो कैंपस है ना पूरा नाजरत का है, इधर किड्स गैलेक्सी हो गया और ये है हमारा नाजरत एकेडमी। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए मिर्ज़ा गालिब मोड़ के पास में, यहीं पे मिर्ज़ा गालिब कॉलेज है। देखो सामने में मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, और भाई ये देखो नेशनल फ्लैग, हैप्पी इंडिपेंडेंस। ये देखो भाई चारों तरफ बस फ्लैग ही फ्लैग आपको दिखेगा, क्योंकि आज 14 अगस्त है। और ये मैं पहुंच गया इधर। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए इधर से गया कॉलेज वाले रोड में, अंदर ही अंदर। और इस वाले रोड से ना ट्रैफिक ना के बराबर होता है, इसलिए इस रोड में हम आ गए थे। और अभी पहुंच गए गया कॉलेज के पास में, सामने में गया कॉलेज है, बट हम लोग यहां से टर्न हो जाएंगे पुलिस लाइन की तरफ, क्योंकि आगे क्या है कि सिगड़िया मोड़ पर कभी कभी ट्रैफिक होता है थोड़ा बहुत। सो ये देखो यहां से एक रोड कट जाता है, उसको पुलिस लाइन कहता है। सो इसमें हम लोग एंटर कर गए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए ये पुलिस लाइन वाले रोड में।
ये देखो फ्रेंड्स, इसी रूट में आपको जेल कारागार, गया का कारागार मिल जाता है, ये देखो। और इस रोड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सीधे सिकड़िया मोड़ से मिलिट्री कैंट जाने वाले रोड में कनेक्ट करेगा। ये देखो फ्रेंड्स, इधर थोड़ा सा मिलिट्री कैंट साइड, यहाँ से इधर ही थोड़ा सा आप 10 कदम आगे बढ़ोगे यहाँ से तो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, वही है सिकड़िया मोड़। और यहाँ से मिलिट्री कैंट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसी में आपको आगे बढ़ना है। और आगे करीब यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद आपको एक मोड़ आएगा जो कि राजगीर की तरफ चला जाता है या बाईपास की तरफ। ये देखो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बाईपास वाले मोड़ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ से ही KV 2 का जो रास्ता है ना वो कट जाता है। और ये देखो मिलिट्री कैंट का वो जो मेन गेट है ना, ये देखो मैं इसी मोड़ की बात कर रहा था। ये देखो यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो बोधगया की तरफ चले जाओगे, लेकिन आपको यहाँ से टर्न लेना है इस तरफ। और इधर से बोधगया, इधर से मैं अभी आ रहा हूँ सिकड़िया मोड़ से, और ये आप सामने देख सकते हो। सो हम लोग इधर चलेंगे, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम होगा, चलिए। और आप पहुँच जाओगे ब्रह्म वन। ये देखो यहाँ पर ट्रैफिक लग गया, आगे में यहाँ पे ज्ञान भारती पहाड़पुर वाला ब्रांच है और एक बीएड कॉलेज है। ये देखो इधर रोड भी आपको बिल्कुल फाइन मिलेगा, देखो सामने ज्ञान भारती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और इसी के जस्ट सामने आपको ब्रह्मवन का गेट भी दिख रहा होगा, रेड कलर का, देखो आप बड़ा सा लिखा हुआ देख सकते हो ब्रह्मवन, और ये पूरा उसी का कैंपस है। ये देखो आप, ये देखो ये पूरा कैंपस जो है, और मैं जब इसके अंदर गया था ना वीडियो शूट करने के लिए, उस टाइम में ना ग्रीनरी नहीं था इतना ज़्यादा। अब क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, मॉनसून का सीज़न है, इसलिए ग्रीनरी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो चेस बोर्ड, जिसके लोग दीवाने हो गए हैं भाई, संडे को और हॉलीडे में बहुत ही अच्छा भीड़ लगता है यहाँ पे, और आई थिंक सो दोपहर के टाइम भी बंद रहता है शायद। ये देखो यहाँ पे मैं पहुँच गया ब्रह्मा वन, सामने आप देख सकते हो इसका मेन गेट। ये देखो फ्रेंड्स, और ये रोड जो है ना आगे बाईपास की तरफ चली जाती है, तो आप इधर से भी आ सकते हो। अगर आप बाईपास की तरफ से आ रहे हो तो आप इधर से भी आ सकते हो, मिलिट्री कैंट की तरफ से आ रहे हो तो इधर से आओगे। और यहाँ पे ये है ब्रह्मा वन और सामने में इसका एंट्री गेट, यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी लिखे गए हैं, अलग अलग हाइट्स के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वीकली जो हॉलीडे होता है वो मंडे को होता है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये एंट्री है और यहाँ पे इसका बोर्ड लगा है, ये देखो ब्रह्मा वन साप्ताहिक सोमवार को पार्क बंद रहेगा। ये देखो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मैंने पूरा वे बता दिया कि कैसे आप गया से यहाँ पे पहुँचोगे, और मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप विंटर में या फिर अभी गर्मी के टाइम पे अगर आ रहे हो तो आपको मैं पूरा वो वीडियोस लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ पे पढ़ लो, जितना पूरा डेटा लिखा है कि ठंडा में टाइम क्या होता है और गर्मी में टाइम क्या होता है,